नारियल और शक्कर से बहुत ही अच्छा देखिए लड्डू बना है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट यह बन जाता है। तो आप लोग पूरी रेसिपी जरूर दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये है सूखा नारियल जिसको मैंने घिसने की मदद से घिस लिया है और अभी कढ़ाई गर्म कर देते हैं। इसमें सिर्फ दो चीज़ों से ही हम लड्डू बनाएंगे जो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, ये हमारा कलछुल है, छोटा ही कलछुल है, कढ़ाई गर्म किया हमने और इसमें हम देखो ये हमारा नाप है तो इसके हम ऐसे डाल लेते हैं इसमें और सेम इतना ही पानी, ज़्यादा नहीं पानी करना है। इसके मदद से हम इसमें इतना पानी डाल लिए हैं और इसको हम चला लेते हैं। इसको थोड़ा, इसको हमको चाशनी बनाना है, ये चाशनी हमारा रेडी हो जाता है। और ये देखो दोस्तों, इलायची है, जैसे कि मैंने इसको कली रखा था तो इतना सा बचा है तो अभी ये इलायची मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैं भगवान के प्रसाद के लिए बना रही हूँ तो ये सब भगवान का ही चीज़ है। और दोस्तों अभी हम गणपति जी घर पे बिठाए हैं तो हर रोज़ अलग अलग किस्म का मतलब बनाना रहता है तो झटपट में और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा मतलब ये बन जाता है। तो हमको इसको चलाना है, ये भी चेंज हुआ है, पहले वाइट था, अभी देखो थोड़ा थोड़ा येलो दिख रहा है इसका कलर, तो अब इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमको इसमें ये डालना है जो सूखा नारियल को हमने घिसा है, ये देखिए हमारा चाशनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। जब चाशनी पक जाता है तो खुद ही पता चल जाता है क्योंकि गाढ़ा हो जाता है। देखिए देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैं इसको डाल लेती हूँ इसमें। अब इसको डाल के थोड़ा सा इसमें ऐसे चला देते हैं। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए बस ऐसा डाल के चलाना है और गैस को हमें बंद कर देना है और इसे दूसरे थाली में ऐसे निकाल लेना है। तो दोस्तों देखो, मैंने कढ़ाई में से पूरा निकाल लिया है और अब हम इसका बनाएंगे लड्डू, जो कि थोड़ा गर्म रहता है तभी बनाया जाता है। अगर ठंडा हो जाएगा तो आप बनाएंगे तो ये पूरा टूट जाएगा, तो इसलिए गर्म पे ही हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बनाना रहेगा। ज्यादा ही गर्म लग रहा है। ये देखिए, ये लड्डू जो है मैं बना रही हूँ, ये देखिए 2 बना है और इसको अभी ज्यादा गर्म है ये, तो ये हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के फिर इसको ऐसा दबाएंगे तो सही रहेगा। कभी ज़्यादा ही गर्म लग रहा है तो ऐसे पूरा लड्डू बना लिया है। और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये थोड़ा सूख जाएगा ना तो बहुत ही मतलब टाइट ऐसा हो जाएगा कि मतलब कि अपने आप नहीं टूटेगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही झटपट मेरा बन गया है। और दोस्तों ये देखिए, गणपति जी बिठाए हैं हम। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ में आप लोगों को मिलेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड।